नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और इजी स्नैक्स रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली टेस्टी वेज सैंडविच की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। मैंने इस सैंडविच के अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स का उपयोग किया है, जिससे ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस तैयार होती है और इसी प्रकार से हम बहुत सारे वेजिटेबल्स बच्चों को खिला सकते हैं। तो चलिए वेज सैंडविच की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वेज सैंडविच के लिए पहले हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून तेल डाल देती हूँ और इसे मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तभी मैं इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देती हूँ। हमें तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब मैं इसमें 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, जिससे वेजिटेबल्स बहुत ही जल्दी कुक हो जाएंगे। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसे कुक कर लेती हूँ। हमें प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक ही कुक करना है। 1/2 मिनट हो चुके हैं और प्याज भी सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक डाल देती हूँ। 1/2 कप कद्दूकस किया हुआ टमाटर, मैंने 2 टमाटर लिए थे और उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, वो मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। 2 टेबलस्पून गाजर, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ गाजर भी डाल सकते हैं, पर मैं हमेशा इसी प्रकार से बनाती हूँ, जिससे गाजर बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ और इसे मैं कुक कर लेती हूँ। दोस्तों, ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस तैयार होती है। जब बच्चे स्कूल से आते हैं या तो फिर आप ऑफिस से थक के आते हैं, तब आप इस प्रकार की सैंडविच, जो केवल 5 मिनट में तैयार हो जाती है, वो सबको सर्व कर सकते हैं। एक मिनट हो चुका है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें 1/2 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डाल देती हूँ। 1 टेबलस्पून बॉईल किए हुए मकई के दाने, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो ही आप इसमें ऐड कीजिए। 1/4 कप बारीक कटे हुए लाल, पीले और हरे शिमला मिर्च। अगर आपके पास लाल और पीले शिमला मिर्च ना हो तो आप केवल ग्रीन शिमला मिर्च भी डाल के इसे बना सकते हैं। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ और इसे कुक कर लेती हूँ। सारी सामग्री अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले कर लेते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला। मैं हमेशा इसमें पाव भाजी मसाला डालती हूँ, जिससे ये सैंडविच बहुत ही चटपटी तैयार होती है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, मैंने कश्मीरी मिर्च का उपयोग किया है, जिससे इसका बहुत ही बढ़िया रंग आता है। ये मिर्च थोड़ी तीखी कम होती है, इससे तीखापन बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर आपको इसे थोड़ा स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें 1/2 टीस्पून हरी मिर्च का उपयोग भी कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक, मैंने पहले भी इसमें नमक डाला है और चाट मसाले में भी नमक होता है, तो नमक आप इसमें थोड़ा सावधानीपूर्वक ऐड कीजिए। सैंडविच के लिए जो मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैंने ब्रेड ले लिया है। आप इसमें ब्राउन ब्रेड, नहीं तो वाइट ब्रेड, आपके पास जो भी ब्रेड अवेलेबल है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं बटर लगा देती हूँ। हम थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में बटर को लगाएंगे, जिससे ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगेगी। ऊपर मैं थोड़ी सी चटनी लगा देती हूँ। ये चटनी स्पाइसी होने की वजह से मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में लगा रही हूँ। उसके ऊपर मैं चीज स्लाइस रख देती हूँ। इस सैंडविच में चीज स्लाइस का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप हो सके तो इस सैंडविच के अंदर चीज स्लाइस का ही उपयोग कीजिए, इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। अब मैं स्टफिंग को रख देती हूँ। हम थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में स्टफिंग को रखेंगे, जिससे ये सैंडविच बहुत ही टेम्पटिंग लगेगी। मैं स्टफिंग को स्प्रेड कर देती हूँ। मैंने 1 ब्रेड की स्लाइस के ऊपर करीबन 3 चम्मच जितना स्टफिंग लिया है। हमने जो स्टफिंग तैयार किया है उसके ऊपर ये जो दूसरा ब्रेड का स्लाइस है उसे मैं रख देती हूँ और उसे हल्के हाथों से दबा देती हूँ। ब्रेड का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर मैं बटर लगा देती हूँ। अब हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। मैं ये सैंडविच को तवे पे बनाने वाली हूँ। जो ग्रिल तवा आता है उसे मैंने गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है और सैंडविच का जो बटर वाला हिस्सा है उसे मैं तवे के ऊपर रख देती हूँ। सैंडविच का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर भी मैं बटर लगा देती हूँ। मैं इसे एकदम धीमी आंच के ऊपर सेक रही हूँ, जिससे चीज़ अच्छे से पिघल जाएगी और ब्रेड भी क्रिस्पी हो जाएगा। एक साइड से ब्रेड बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, मैं इसे पलट लेती हूँ।
अगर आप चाहें तो आप इसे टोस्टर में भी ग्रिल कर सकते हैं। सैंडविच दोनों जगह से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ। मैंने सैंडविच को बोर्ड के ऊपर ले लिया है, मैं इसे कट कर लेती हूँ। दोस्तों ये बहुत ही क्रिस्पी और करारी तैयार हुई है। मैं आपको ये सैंडविच को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग रेसिपी है और इसका स्वाद लाजवाब है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो हम इस प्रकार की रेसिपी बना के उन्हें बहुत सारे वेजिटेबल्स खिला सकते हैं। ये सैंडविच छोटों से लेके बड़े सबको बहुत पसंद आती है। आप इसे डायरेक्ट सॉस और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, पर मैं इसे मेरे घर में जैसे सर्व करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक सैंडविच का पीस ले लिया है और उसके साइड में मैं टोमेटो सॉस लगा देती हूँ। अगर आप इसे स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसके साइड के अंदर टोमेटो केचप की जगह पे आप हरी चटनी भी लगा सकते हैं, पर मेरे घर में ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता है तो मैं टोमेटो सॉस लगा रही हूँ। मैंने एक प्लेट के अंदर जो मोटा वाला भेल का सेव आता है वो ले लिया है और हमने जो सॉस लगाया हुआ हिस्सा है उसके ऊपर मैं सेव लगा देती हूँ। मैं थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में सेव लगाऊंगी जिससे ये बहुत ही टेम्पटिंग लगेगा। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देती हूँ। ये देखें दोस्तों, मैं हमेशा इस प्रकार से मेरे घर में ये सैंडविच को सर्व करती हूँ। हमारी टेस्टी इजी वेज सैंडविच बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने सारे घर वालों को खुश कर दी। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए इजी स्नैक्स रेसिपीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।